सत श्रीकाल जी, बॉली होली बाबा चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता। दोस्तों, जिवें आप जानते हैं कि पिछले लंबे समय तो किसान अपने हकों लिए दिल्ली के बॉर्डर से संघर्ष कर रहे हैं, पर उन्होंने अजे तक कोई भी इंसाफ नहीं मिलिया। तो इस दौरान एक होर बहुत ही दुखदायी घटना सामने आ रही आ, जिस विच एक 23 साल नौदीप कौर कुड़ी आ, जो कि पिछले काफ़ी दिनों तो जेल में आ, लगभग 12 जनवरी उसनू अरैसट किया गया सी हरियाणा पुलिस वालों। सो आप अज की वीडियो में गल करांगे कि नौदीप कौन है, क्यों उसनू पुलिस ने अरैसट किया। 23 साल नौदीप कौर का जन्म जिला मुकसर के नाल लगते पिंड होया। परिवार कोई भी अपनी जमीन नहीं, तो परिवार मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता। नौदीप कौर प्लस टू तक पढ़ी हुई आ, ते अगे पढ़ाई करने लिए उसके परिवार को इन्ने पैसे नहीं सी कि नौदीप नू ग्रैजुएशन करवा सकन, पर नौदीप नू पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक सी। इस कारण उसने ग्रैजुएशन करन दा फैसला किया। ते नौदीप दी भैन दिल्ली यूनिवर्सिटी विच पढ़दी है, इस कारण नौदीप दिल्ली चली गई। ते उत्थे जाके उसने पार्ट टाइम जॉब करन दा फैसला किया। ते उसने कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया विच एक कंपनी विच जॉब करनी शुरू कर दिती। ते नाल दी नाल नौदीप ने दिल्ली दे एक कॉलेज विच ग्रैजुएशन करने लिए अप्लाई कर दिता, पर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया दी एक कंपनी विच जॉब करन दौरान उसनू यह महसूस होया कि जो मजदूर आ उन्हां नू उन्हां दे हक नहीं मिल रहे। सो नौदीप ने मजदूरों नू हक दवाउण लई, उन्हां दे पत्ते दवाउण लई संघर्ष करना शुरू कर दिता। ते काफ़ी मजदूर भी उस नाल मिल गए। सो उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया। इसे दौरान 12 जनवरी कुंडली बॉर्डर से ही उसनू अरैसट कर लिया गया पुलिस वालों, ते करनाल जेल भेज दिता गया। नौदीप की भैन ने एक निजी चैनल दी इंटरव्यू दौरान दस्सिया कि नौदीप दे नाल जेल में काफ़ी धक्का होया, कुटमार हुई, ते नाल दी नाल नौदीप दे उपर अजिहियां धाराव दे विच केस दर्ज किए गए जिस विच उसनू बेल भी नहीं मिल सकती। पर नौदीप की भैन अनुसार उसने अजिहा कोई भी जुल्म नहीं किया जिस विच इस तरह दी धारावां लाईआं जाण, वह सिर्फ अपने हक्कां लई संघर्ष कर रही सी। जिक्र जोगा कि नौदीप ते पुलिस वल्लों नॉन बेलेबल धारावां लाईआं होण कारण उसकी बेल भी रिजैक्ट हो गई। सो परिवार काफ़ी कोशिश कर रहा कि नौदीप नूं रिहाई मिल सके। जिथे नौदीप लगातार मजदूरों के हक्कां लई संघर्ष कर रही सी, उत्थे उसने चल रहे किसान अंदोलन विच भी अपना योगदान दिता। नौदीप दे परिवार दे आर्थिक हालात काफ़ी माड़े आ, इस कारण परिवार उसकी कोई भी मदद करने विच कामयाब नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों तुहानूं दस दईए कि नौदीप दे पिता जी तेलंगणा दी एक वर्कशॉप विच काम करदे सी, पर लॉकडाउन दे चलदे उसकी जॉब भी चली गई। दोस्तों, नौदीप बारे सोशल मीडिया ते काफ़ी पोस्टां भी लिखियां जा रही, सपोर्ट की जा रही है। तो बहुत सारे लोग इस गल तो भी नाराज आ कि किसान आगू नौदीप की सपोर्ट विच क्यों नहीं कुछ बोल रहे। चाहे दोस्तों किसान आगुआ ने अजे तक नौदीप कौर की सपोर्ट विच कोई भी बयान नहीं दिता, पर लोगों को उम्मीद आ कि किसान आगू जल्द ही नौदीप कौर की सपोर्ट विच कोई ना कोई बयान देंगे, तो उसकी हैल्प करेंगे। तो जदों का आम जनता इस खबर का पता लग्या कि 23 साल की नौदीप कौर पुलिस वालों अरैसट किया गया, उस ने इस तरह धक्का किया गया, कुटमार की गई, तो सोशल मीडिया से नौदीप कौर रिलीज़ कराने बहुत ज़्यादा लोग पोस्टा पा रहे हैं। हैशटैग रिलीज़ नौदीप कौर जो टैग आ भी सोशल मीडिया से काफ़ी ट्रेंड कर रहा। सो दोस्तों, जिस तरह नौदीप कौर अरैसट किया गया पुलिस वालों, इस बारे थोड़े की विचार आ कि तू लगता कि पुलिस ने इन्ना वड्डा कदम क्यों चुकया, क्यों एक कुड़ी के नाल कुटमार हुई जां धक्का होया, तुसी अपने विचार कमेंटा में जरूर दस्यो। तो जेकर तुसी नौदीप कौर की सपोर्ट करते हो, तुसी समझते हो कि नौदीप कौर बेकसूर आ, उसनू जेल तो रिहा किया जाना चाहिए, तो तुसी कमेंटा में आई सपोर्ट नौदीप कौर जरूर लिखो। तो नाल दी नाल उसकी सपोर्ट में इस वीडियो लाइक करके वध तो वध शेयर जरूर कर दो, तो वध तो वध लोग नौदीप कौर के जीवन के संघर्ष बारे जान सकन। होर ताज़ा अपडेट्स लिए अपने चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो, तो नाल आ रहे बिल के बटन क्लिक कर दो, तो अपनी हर एक वीडियो तुहाडे तक सब तो पहला पहुँच सके। सो जी, इन्हें शब्दों ना लेनी है, तो मिलते हैं किसी होर वीडियो नाल। सत श्री अकाल जी।